नमस्कार बच्चों, शब्द भेद पढ़ने के क्रम में अभी तक हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। देखिए आज के वीडियो में हम लोग अब अर्थ के आधार पर, मतलब शब्दों के अर्थों के आधार पर उनको वर्गीकृत करना, उनको वर्गों में बांटना ही अर्थ के आधार पर शब्द भेद है। तो अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। आइए पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद कौन कौन से होते हैं, इनको हम लोग एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, देखते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेदों में से सबसे पहला जो भेद है वो है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का क्या अर्थ है? वैसे शब्द जिनका सिर्फ एक अर्थ निकले उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। इसमें सामान्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं वो आते हैं। आइए देखते हैं कि इनमें एकार्थी शब्दों में कैसे शब्द आ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, गंगा सिर्फ एक अर्थ है, कोई अर्थ दूसरा नहीं है। हिमालय, भारत, आदि जो शब्द हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने शहर का नाम लेते हैं धनबाद, आदि जो शब्द हैं इनको एकार्थी शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं इनका सिर्फ एक अर्थ निकलता है, इसीलिए ये शब्द एकार्थी शब्द हैं। दूसरा हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। यहाँ आपने देखा कि एकार्थी शब्द का अर्थ है जिसका एक अर्थ निकले, जिन शब्दों का उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकले, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं, उनको हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे चलिए मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे इसमें अगर मैंने लिया एक शब्द है हार, हार शब्द के कितने अर्थ निकले? हार का अर्थ क्या होता है? गले का हार, आभूषण या फिर पराजय भी होता है हार का अर्थ, है ना, कि हार गए या जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। इस तरह से हार का अर्थ पराजय और गले का आभूषण भी होता है। तो इसीलिए इस शब्द के अभी दो अर्थ आपने समझे, तो ये अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आता है। देखते हैं इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। आभूषण और पराजय। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। कल, कल का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ कल, है ना, आने वाला कल को हम कल कहते हैं। हमारे मन का चैन, हम बोलते हैं ना कि मन में कल पड़ा, चैन पड़ा, शांति हमारे मन की वो। और एक कल का प्रयोग हम और करते हैं, मशीन को भी हम कल कहते हैं। जो कल कल पुर्जे बोलते हैं ना मशीन के पार्ट्स को, तो वो भी कल है। अर्थात इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, चार अर्थ अभी आपने देख लिए। तो ये किस शब्द की श्रेणी में आता है? ये अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आएगा। ठीक है, आने वाला कल, चैन। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसका जो तीसरा भेद है। तीसरा भेद है समानार्थी शब्द। तीसरा भेद है समानार्थी बोलते हैं, या इसको पर्यायवाची भी बोलते हैं। समानार्थी को हम लोग पर्यायवाची भी बोलते हैं। देखते हैं
या पर्यायवाची शब्द वैसे शब्द जिनका अर्थ एक ही रहे, शब्द बदलते जाए। तो बहुत सारे शब्दों का अर्थ एक ही रहे उन्हें हम समानार्थी, मतलब बहुत सारे शब्द का समान अर्थ होना समानार्थी, या पर्यायवाची मतलब पर्याय उसका अलग शब्द होना, अर्थ एक ही है उसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण मैं यहाँ पे लेती हूँ, सूर्य। सूर्य को और क्या क्या बोलेंगे? भान, रवि, दिनकर, भास्कर, या सूरज भी बोलते हैं। ठीक है, देखा आपने कि इस शब्द के अर्थ तो से एक ही है, सेम है, लेकिन बहुत सारे शब्द हमने प्रयोग किए समान अर्थ के लिए, इसीलिए हम लोग इसको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहेंगे। हमारा चौथा जो इसका भेद है वो है विपरीतार्थक। शब्द या इसको हम लोग विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द जिसे कहेंगे, ये अर्थ के आधार पर शब्द का चौथा भेद है। जैसे हम लोग लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जय। जय का क्या होगा विलोम या विपरीतार्थक? पराजय। ठीक है, और भी हम लोग लिखेंगे लेंगे शब्द, जैसे सुख और क्या होगा दुख, सच झूठ, है ना, सत्य असत्य ले सकते हैं हम लोग, पाप पुण्य, रात दिन, ठीक है बच्चों। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के जो चार भेद हैं उनके नाम भी आपको समझ में आए होंगे, याद हो गए होंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द। समानार्थी को हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं और विपरीतार्थक को विलोम शब्द भी बोलते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप लोगों ने समझा और आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया। बहुत आसान भी है याद करना, क्योंकि आप हर क्लास में, सभी क्लासों में इसे बार बार पढ़ते हैं, तो ये आपको पहले से भी पता है, लेकिन अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, आप इसे याद कर लेंगे और जब भी आपके सामने शब्द आएंगे तो आप उसको पहचानने में आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हमारा शब्द भेद जो है वो आज के वीडियो में यहाँ पर समाप्त होता है, खत्म होता है। हम लोगों ने शब्द भेद के चारों भेद पढ़ लिए हैं और अच्छे से समझ भी लिए हैं। आगे की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।